नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूँ। तो आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपकी 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज सातवां वीडियो है। सातवें वीडियो में हम पढ़ के आ रहे हैं धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क ऑन करंट लूप। इसके बारे में आज हमारी क्लास होगी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। जैसे कोई भी, देखिए इसमें बेसिकली हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके रेफरेंस में दो चीजें हम लोग देखेंगे। पहला हमें जो देखना है वो हम देखेंगे टॉर्क ऑन लूप, किसी धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी को बोलते हैं एमसीजी। एमसीजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं चल कुंडली धारा मापी। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में इस बार हमें एक ही पढ़ना है। और पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन लूप पढ़ेंगे। मतलब कोई भी टॉर्क है, सॉरी कोई भी आपकी धारावाही आयताकार लूप है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। फिर देखेंगे कैसे हम उसके टॉर्क अर्थात बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। दूसरी चीज, हम एक डिवाइस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में जानेंगे आखिर ये कैसे बनती है, इसके कन्वर्जन के बारे में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बच्चों आप सब लोग हेडिंग लगा लीजिए। अब कोई धारावाही लूप को हम निकालेंगे, उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है। तो तैयार हो जाते हैं हम सब। लिखे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हेडिंग आप सब लगा लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, धारावाही का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा लूप जिसमें करंट आपकी बह रही है। धारावाही लूप, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक में कहा गया कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है जिसमें हम एक धारावाही लूप को उसके भीतर लेके जाते हैं, तो उस पर एक टॉर्क डेवलप होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे टॉर्क बन रहा है, उसके परिमाण को जानेंगे। तो ये सब सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले हेडिंग लगाइए, फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर चीजों को समझने का एक प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयताकार लूप लेते हैं, धारावाही लूप। धारावाही हमने एक लूप लिया, आप लोग भी बनाइए डायग्राम। हम एक धारावाही लूप की परिकल्पना करते हैं। यहां पे ये क्या है, ये कोई धारावाही लूप है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस है, धारावाही है। तो इसके भीतर क्या बहेगी, धारा बहेगी। यहां पे मानते हैं करंट आपकी फ्लो कर रही है, करंट आई फ्लो कर रही है यहां पे। अब हेडिंग में लिखा गया कि किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही लूप को हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या रखते हैं, तो हमने इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जिसकी तीव्रता क्या है, बी है। ठीक है, इसको हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। डायग्राम आप सब बनाइए।
इसको बनाते हुए चलिए आप सब। अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने किया क्या, ये जो समांतर लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक आयताकार धारावाही लूप को इसके भीतर रख दिया है। लूप नहीं रखा है, धारावाही लूप रखा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। धारावाही का मतलब है कि इसके भीतर करंट बह रही है, धारा वहन कर रही है, इसलिए धारावाही है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बात को समझेंगे। इसमें भाई आपको मैंने बताया था कि जब कोई कोई वायर या कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है, F इज इक्वल टू आई बी एल। समझेंगे, देखो यहाँ पे कोई ना कोई पी क्यू की लंबाई होगी प्रत्येक भुजा की, धारा भी है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो जाहिर सी बात है इस पर एक लॉरेंज बल लगेगा और लॉरेंज बल मेरा किसके होगा पहले समझते हैं। देखिए चारों दिशा में फोर्स लगेंगे, प्रत्येक भुजा पर इस पर क्या लगेगा, बल कार्यरत होगा। इतनी बात समझ में आई है। अब देखेंगे यहां पे पहले इस फोर्स को देखेंगे, इस पर मैंने मान लिया आपका फोर्स जो लग रहा है वो एफ वन है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ टू है। इतनी बात क्लियर है। ऊपर की तरफ जो फोर्स हम लग रहा है वो कितना है, F3, और नीचे इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, फिलहाल F4 लग रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई, फोर्स क्यों लग रहा है, फोर्स लगने के पीछे कारण ये है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखते हैं और धारावाही चालक अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, धारा I है, चालक की लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो उस पर एक लॉरेंज बल लगेगा और वो लॉरेंज बल किसके बराबर होगा, अगर मैक्सिमम लग रहा है तो F इज इक्वल टू आई बी एल के बराबर लगता है। तो बहुत बात ये स्पष्ट हो गया कि इसके प्रत्येक भुजाओं पर एक बल कार्यरत होगा। तो F1, F2 आपका यहां लग रहा है, F3, F4, ये बात समझ में आई कि नहीं। इतनी बात बच्चों समझ में आई हो तो बताइए। अब आप देखिए, देखिए F2, सॉरी F4 और F3, जैसे आपके सामने ये मान के चलिए कोई धारावाही चालक है, क्या है, कोई धारावाही चालक ऐसे ही तो मन ने रखा है, ये देखिए इस तरीके से आपके पास धारावाही चालक है। अब इसके इस सिरे पर एक फोर्स ऊपर की साइड में लग रहा है, एक फोर्स नीचे के साइड में लग रहा है, एक तिरछा फोर्स यहां पे लग रहा है, तो बताइए ऊपर वाला फोर्स जितना है उतना नीचे भी लग रहा है। बात को समझिए, ऊपर जितना फोर्स लगे अगर नीचे उतना ही फोर्स लग जाए तो फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद टेंजेंशियली फोर्स तिरछा यहां पे लग रहा है, एक फोर्स यहां पे लग रहा है, अगर कोई बॉडी एक फोर्स इधर से खींचे इसको ऐसे और एक नीचे वाला फोर्स इसको ऐसे खींचे तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, ये आपस में रोटेट कर जाएगा ना। बात को समझिए, देखिए इस तरीके से क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगा, क्योंकि इसके जो परपेंडिकुलर फोर्सेस है अप और डाउन के साइड में हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट। समझिए बिल्कुल ऐसे, देखिए लेके चलेंगे यहां पे एक किताब जो है इस तरीके से आप रख दो, यहां पे देखो ऐसे रख दिया आपने। अब देखो ध्यान से इसके डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यहां पे F4 लग रहा है, क्या लग रहा है यहां पे F4 कार्यरत है, देखिए यहां पे F4 है, F3 ऊपर है, F1 कुछ टेंजेंशियली लग रहा है, F2 इधर टेंजेंशियली लग रहा है। इसके ऊपर और नीचे के फोर्सेस जो आपके F3 F4 है एक दूसरे से 180 अंश का कोण बना रहे हैं और बराबर हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको रोटेट कराने के लिए, इसको घुमाने के लिए, इसको घूर्ण प्रदान करने के लिए, रोटेशन प्रदान करने के लिए दो फोर्स कार्यरत हैं और इन्हीं को हम कपलिंग फोर्स कहते हैं, युग्म बल कहते हैं। मतलब कोई बल जोड़ा में कार्यरत हो और बॉडी को क्या कर दे, इस तरीके से घूर्ण प्रदान कर दे, रोटेशन प्रदान कर दे। इतनी बात समझ में आई है, यहीं से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये बॉडी क्या कर जाएगी, घूम जाएगी, क्या करेगी बॉडी आपकी, ये घूम जाएगी ऐसे। ये बात क्लियर है,
डायग्राम आप सब बनाइए, फिर हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गया डायग्राम में मैंने क्या लिखा हुआ है। अब इसकी हम चलते हैं एक व्याख्या की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ, और डेरिवेशन में अगर एक पेपर में आए तो हम कैसे अपनी एक समझ बनाते हैं, इन सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, पेन कलम सब हाथ में लीजिए, चलते हैं टॉपिक पर अपने। तो खटाखट लिखते हुए चलतेंगे। अब तो मैंने चीजों को समझा दिया, फिर एक बार बताऊंगा। लिखिए, माना एक आयताकार लूप, लिखेंगे आप, माना एक आयताकार, माना एक आयताकार लूप, नाम क्या है, पी क्यू आर एस। आपके सामने लूप है पी क्यू आर एस। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है या रखा गया है, रखा गया है। इतनी बात क्लियर है, पी क्यू आर एस लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अब समझेंगे, लूप की लंबाई, अब इसके इसके डायमेंशन के बारे में देखते हैं। लूप की लंबाई कौन कौन सी, पी क्यू और आर एस दोनों एल के बराबर हैं। पी क्यू बराबर आर एस इज इक्वल टू एल, तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई कौन कौन सी चौड़ाई है भाई, क्यू आर और एस पी। क्यू आर बराबर एस पी बराबर कितना हमने मान लिया, बी मान लिया। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं यहां पे है, इतना हम लोग लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, चीजों को समझेंगे। अब देखिए यहां पे लिखेंगे, लूप की ऊर्ध्व भुजाएं या लूप की भुजाएं लूप की भुजाएं पी क्यू व आर एस, व आर एस जिनकी लंबाई आर एस, जिनमें प्रत्येक की लंबाई एल है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई L है, सदैव चुंबकीय क्षेत्र B, सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहती हैं, अतः अतः इन पर, अतः इन पर लगने वाला बल, बल कितना हो जाएगा, F1 is equal to F2 is equal to I B L। क्लियर है भाई, इसके बराबर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहां पे। अब देखिए समझते हैं, लिखेंगे बल F1 व F2 बल F1 व F2 F1 F2 क्या है, बराबर
वह बराबर, समांतर व विपरीत है, बराबर समांतर व विपरीत है, ये बात क्लियर है, विपरीत है, परंतु इनकी, परंतु इनकी क्रिया क्रिया रेखाएं, क्रिया रेखाएं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं? डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। अब देखिए लिखते हैं यहां पे, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हैं तो होगा क्या? आता है एक बल युग्म बनाते हैं, आता है एक बल युग्म, एक बल युग्म बनाते हैं, क्या करते हैं, एक बल युग्म का फॉर्मेशन करते हैं जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, जिसे जिसे विक्षेपक बल युग्म, जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्सिंग कपल कहते हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। इस बल युग्म के कारण, इस बल युग्म के कारण इस बल युग्म के कारण लूप दक्षिणावर्त घूमने लगता है, लूप दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमने लगता है, लूप क्या करेगा, दक्षिणावर्त घूमने लगता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखिए, माना कि किसी क्षण, ना हो तो इतना आप लोग आगे लिख लेते हैं, चलिए, माना कि किसी क्षण लूप की अक्ष, लूप की अक्ष से, लूप की अक्ष से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण, थीटा कोण बनाती है, यहां तक क्लियर हो गया? तब इस क्षण विक्षेपक, तब इस क्षण विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का विक्षेपण, बल युग्म का आघूर्ण तल पर खींचा गया, तल पर खींचा गया, यहां तक लिखिए, तल पर खींचा गया, एक मिनट, बल युग्म का आघूर्ण यही रख लिखिए, इसको हटा देंगे, इतनी बात क्लियर है, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, फिर आगे करा रहे हैं इसको।
इसका आप लोग प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखते हैं। ओके, इसके बाद लिखते हैं आगे। अब देखिए यहां पे लिखेंगे तो बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लिखेंगे ताओ, इसको ताओ पढ़ते हैं, ताओ बराबर बल। बल कौन कौन से हैं, चाहे एफ वन लीजिए चाहे एफ टू, दोनों बराबर हैं। एफ वन बराबर एफ टू गुड़े गुड़े लंबवत दूरी, गुड़े लंबवत दूरी। तो बच्चों देखो लंबवत दूरी हम कैसे लेंगे उसको हम समझाते हैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से। एक डायग्राम पहले बना लेंगे उस तब आपको बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, ना हो तो हम यही बना दे रहे हैं। एक और डायग्राम बनाएंगे आप सब। इसको आप लोग बनाइए साथ में। तब आपको लंबवत दूरी समझ में आएगी यहां से। देखिए यहाँ पे थीटा कोण यही है आपका, अक्ष से बन रहा है। अब ऊपर एफ वन मान लीजिए बल लग रहा है और नीचे एफ टू लग रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मान लो करंट आपकी बह रही है आई, ये इसको ऊपर की साइड में लेके जा रहा है अप और ए डाउन, ठीक है, ये ऊपर खींच रहा और ए नीचे के साइड में, क्लियर है। इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, बी इसकी लंबाई है। अब देखिए अक्ष से हम कैसे दूरी निकालेंगे, अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी यहां से, इसके हम अक्ष को मिला देते हैं एक बार, क्योंकि लंबवत दूरी लेंगे तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा, बी साइन कितना हो गया, एक मिनट, इसके अक्ष से गुजरना चाहिए, लंबवत दूरी से इसको गुजरना है, यहां से गुजरेगा, ये डायग्राम बनाइए प्रॉपर वे में मेरे साथ, ठीक। अब देखिए थीटा कोण यहां से बन रहा है, ये वाला है थीटा कोण, ठीक है, मतलब इस अक्ष से थीटा कोण है, और ये क्या बन जाएगा आपकी लंबवत दूरी यहां से कितनी है, दोनों बल के बीच का लंबवत दूरी कितना है, बी, मतलब अगर ये कोण बच्चों थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये चीज, बी साइन थीटा, क्लियर है ये चीज। ये डायग्राम भी बना लीजिए आप, डायग्राम बनाइए। अब आप देखिए यहां पे
चीजों को समझेंगे यहाँ पे भाई। देखिए लंबवत दूरी कितनी है, बी साइन थीटा है, और एफ वन एफ टू कितना आया था, आई बी एल आया था, तो यहां से हम कितना लिख सकते हैं, ताऊ बराबर बल कितना लग रहा है, आई बी एल इंटू लंबवत दूरी कितनी है, बी साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बी, अब एल इंटू बी साइन थीटा। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल के, एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे, चूंकि एल इंटू बी इज इक्वल टू ए, एरिया के बराबर है, तो यहां से ताउ बराबर कितना आ गया, आई बी ए साइन थीटा होता है। कितना होता है, आई बी तौर के लगता कितना है, आई बी ए साइन थीटा के बराबर होता है। ये बात कंफर्म हो गया। एक बात और लिखेंगे यहां पे, इतनी बात कंफर्म हो गई। यदि स्टार लगा के इसमें एक बात और लिख लीजिए, यदि यदि फेरों की संख्या n ले ले, यदि फेरों की संख्या कैपिटल n हो, तब भैया ताऊ बराबर कितना हो जाएगा, ताऊ इज इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा होता है। कितना होता है, टाउ कैपिटल कितना लगेगा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। या इसको एन नियाब पढ़ सकते हैं, नियाब मतलब हम मैक्सिमम अगर बात करें, टाउ मैक्स की अगर हम बात करें तब क्या होगा, एक बात और लिख लेंगे स्टार बना के, यदि यदि थीटा बराबर कितना हो जाए 90, मतलब थीटा कितना हो जाए 90 हो जाए, तब आपका ताऊ क्या हो जाएगा, तब ताऊ आपका हो जाएगा ताऊ मैक्स के बराबर हो जाएगा। किसके, ताऊ मैक्स के, मतलब ये जो बल आघूर्ण लग रहा है, बल युग्म का आघूर्ण है, वो मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम कंडीशन में क्या लिखेंगे, tau maximum is equal to sin बराबर 90 यहां रखो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कितना, tau max is equal to n i a b, tau का मान कितना हो जाएगा, tau max बराबर n i a b के बराबर हो जाता है। या इसको कह दो tau max बराबर नियाब, नियाब देखिए आप इसको नियाब पढ़ सकते हैं, नियाब, तो नियाब के बराबर क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण जब मैक्सिमम कंडीशन में होता है किसके बराबर, ताउ मैक्स इज इक्वल टू एन आई ए बी के बराबर होता है। इतना लिख लीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर वे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब अच्छे से। फिर उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात नोट में लिख लीजिए, वो चीज जानना जरूरी है। नोट में लिखते हैं एक बात, नोट में हैश बना के लिख लीजिए, लिखिए धारा, धारा लूप में नेट बल का मान हमेशा शून्य होता है, नेट बल का मान शून्य होता है,
शून्य होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदर्श इसी पर आधारित हम कई सारे डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। इसको लिख लिया आपने, लिख लो। चलिए अब इसके बाद हेडिंग हम लोग डालेंगे, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, हेडिंग सब लोग लगा लीजिए, चल कुंडली चल कुंडली धारा, चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम कहते क्या है इंग्लिश में, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अब इसकी एक समझ बनाते हैं, आखिर है क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखती है। देखिए आप लोगों ने अमीटर का नाम सुना होगा, अमीटर क्या करता है? आप कहेंगे कि सर परिपथ के भीतर धारा को मापने का काम करता है अमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वोल्टेज को मापने का काम करेगा वोल्ट मीटर। बिल्कुल सही है। मैं पूछूं गैल्वेनोमीटर किसका काम करता है, अब बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्या बताएंगे आप? तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के बस एक ही काम है कि परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताना, मेरा मतलब समझिए, धारा के परिमाण को ना बताना, धारा कितनी बह रही है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, इसकी जानकारी नहीं देती। जानकारी आपको इसकी मिलेगी कि गैल्वेनोमीटर धारा मापी ये बताएगा कि परिपथ में धारा की उपस्थिति है कि नहीं है। बात को समझिए, धारा मापी किस चीज को बताती है कि धारा मापी यह बताएगी कि परिपथ में धारा की उपस्थिति है कि नहीं है, मतलब प्रेजेंस ऑफ करंट बताती है। इसको समझेंगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, सबसे पहले तो काम क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ करंट का मतलब क्या है कि धारा की उपस्थिति की जांच करता है, धारा की उपस्थिति की जांच करता है, जांच करता है। समझिए इस बात को, देखिए कई बार पेपर में आया हुआ है, एक नंबर में बस यही पूछ लिया कि धारा मापी का काम क्या है, तो हर किसी ने लिखा कि धारा मापी मतलब आपका गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है, धारा मापने का काम। अरे भैया अगर धारा मापना ही था तो अमीटर क्यों बनाया, बस समझिए ना। तो इसका कार्य बस इतना होता है कि धारा की उपस्थिति में हम यूज करते हैं। एक बात, धारा मापी को हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, एक धारा मापी अमीटर की तरह भी कार्य कर सकता है, एक धारा मापी मतलब आपकी गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर की तरह भी व्यवहार करता है। इसको हम सिखाएंगे आने वाले टॉपिक में, हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई गैल्वेनोमीटर एक अमीटर हम बना सकते हैं,
या गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में बना सकते हैं कैसे, इसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे, पूरा मैथमेटिकली चीजों को समझाएंगे, लिखवाएंगे, और आपका भी है पेपर में कि कोई गैल्वेनोमीटर कोई धारा मापे किस तरीके से एक अमीटर की तरह व्यवहार करता है, उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, क्या संशोधन करते हैं, या हम एक गैल्वेनोमीटर में क्या ऐसी चेंजिंग कर दें कि वो वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करें, तो इन चीजों के बारे में भी हम सब विधिवत देखेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम जानेंगे चल कुंडली धारा मापी क्या है, जिसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे हम चीजों को देखेंगे कैसे क्या लेके चल रहे हैं। ये बात समझ आ गई, पेपर में आता है कि धारा मापी का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो बस एक फंक्शन होता है सिर्फ गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो क्या होता है धारा मापी, सॉरी क्या होता है कि धारा की उपस्थिति की जांच करना, टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ द करंट, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट, एक काम होता है। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए चलते हैं किस फंक्शन पे काम करेगा, क्योंकि चल कुंडली धारा मापी ये जो टॉपिक है एक तरीके का डिवाइस वाला टॉपिक है। मैंने वैसे सोचा था कि इसको अलग से बताएंगे, जैसे आपको अभी वन डे ग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, ये सब मैंने आपको छोड़ा हुआ है, तो मैं बताऊंगा फिलहाल, घबराइएगा मत। इसको बताएंगे जैसे एक साथ हम लेकर के, सोचे थे एग्जाम टाइम जब आएगा आपका आराम से बता देंगे। तो फिलहाल हम इसको बता रहे हैं क्योंकि टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट से है, तो लेके चलते हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको शॉर्ट में MCG बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MCG। MCG बोले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए इसकी समझ हम बनाते हैं। इसकी समझ की तरफ हम बढ़ते हैं और देखेंगे किस तरीके से यह व्यवहार में है, आइए इसको समझते हैं। लिखिए सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। देखिए हम कोई भी डिवाइस को, पांच नंबर में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आती हैं आपके पेपर में, तो पांच पॉइंट लिखेंगे। पांच पॉइंट कैसे, जैसे उसका परिचय देंगे, उसकी संरचना जानेंगे, उसके सिद्धांत को जानेंगे, उसकी थ्योरी को जानेंगे, उसका यूज क्या है, कुछ इस तरीके से पांच पॉइंट हम लिखने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से हम पूरे पांच नंबर पाने में सक्षम भी होंगे। ठीक, ऐसा नहीं हो पूरा ऐसे थ्योरेटिकली लिख दिया जाए तो पांच नंबर मिल जाए, तो तीन नंबर दो नंबर ज्यादा मिलने वाला नहीं है जब तक आप ब्रेक करके चीजों को नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें हेडिंग लगाइए, परिचय, परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय, परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हम सीखते हैं परिचय में कि यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से धारा की या वैद्युत धारा की की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन में बिल्कुल हम लोगों ने सिंपली देखा कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिसके माध्यम से हम किसी परिपथ में वैद्युत धारा की उपस्थिति को ज्ञात करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल सिंपली है चीजों को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल एलैबोरेट करके हम चीजों को लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले परिचय, अब इसके बाद सिद्धांत बताएंगे कि धारा मापी के सिद्धांत पर कार्यरत है, फिर इसकी संरचना रचना सब जानेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, अब विधिवत तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो परिचय में मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया आपको कि यह एक यंत्र है, एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस,
जिसके माध्यम से वैद्युत धारा की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है, बाई विच वी आर एबल टू फाइंड आउट और टू डिटरमाइन और टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात क्लियर हुई? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे परिचय हो गया, या आप इसको एक नंबर डाल दो, एक नंबर तो इसी पे मिल जाएगा आपको, एक नंबर या आधा नंबर, आधा नंबर हम लेके चल रहे हैं, इस पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। हेडिंग लिखेंगे कि किस तरीके से इसको कर रहे हैं यहां पे। चलिए अब इसके बाद हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगे इस पे, या ऐसा करते हैं परिचय को थोड़ा सा बढ़ा ही दें क्या? चलिए परिचय को बढ़ा ही देते हैं, लिखिए यह वैद्युत धारा के, इसे में लिख लीजिए एक नंबर का, इसको कर दे रहे हैं, या यह वैद्युत धारा के प्रवाह चलिए लिखिएगा। ठीक है, यह वैद्युत धारा के संसूचक तथा मापक, संसूचक तथा संसूचक तथा मापक, यहां पे लिख लिया, के लिए प्रयुक्त किया जाता है, के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे लिखेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिखिए इसकी क्रिया, इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर धारावाही कुंडली पर कुंडली पर कार्यरत बल युग्म पर आधारित है। कार्यरत बल युग्म पर आधारित है। पर आधारित है। ये बात समझ में आ गई है? ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट पार्ट हो गया। उसके बाद कुछ संरचना, चलिए इसको लिख लेते हैं, आज संरचना वाला काम खत्म करते हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग लगा लीजिए संरचना की, कंस्ट्रक्शन कैसे किया हमने इसका। संरचना में लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन, आज कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो तो हम खत्म ही कर देंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट आज आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसमें एक आयताकार, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें एक इसमें एक आयताकार इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। आगे लिखेंगे, यहां तक हो गया, लिखते हुए चलिए, जो कि तांबे के एक पतले,
जो कि तांबे के जो कि तांबे के एक पतले पतले जो कि तांबे के एक पतले पत्ती से लिखते हुए चलिए, एक अस्थाई बेलनाकार एक अस्थाई मतलब परमानेंट बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच लटकाया गया है। ध्रुव खंडों के बीच लटकाया गया है। ध्रुव खंडों के बीच लटकाया गया है। आगे लिखेंगे, पत्ती का ऊपरी सिरा ऊपरी सिरा क्या होता है इसका, पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। एक मरोड़ टोपी द्वारा क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। आगे लिखिए, मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। लिखेंगे, कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की कुंडली के भीतर नर्म लोहे यहां लिखेंगे, कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड़ सी क्रोड़ को मैंने मान लिया क्या है, सी बिना कुंडली को स्पर्श किए रखा जाता है, यहां तक क्लियर हुआ आपको, रखा जाता है। आगे लिखेंगे, यहां तक हो गया। लिखिए, क्रोड बल रेखाओं को बल रेखाओं को संकेंद्रित करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो गया, आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया। कल हम डायग्राम बनाएंगे, इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, इसके यूज को देखेंगे। तीन पॉइंट अभी बचा हुआ है, तब जाकर के खत्म होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और ले लीजिए आप इसका।
स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया। तो आज के वीडियो में हम यही रख रहे हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराएंगे और देखेंगे कैसे आपका गैल्वेनोमीटर एक अमीटर तथा वोल्टमीटर की तरह भी व्यवहार करता है, इसको बताएंगे। तब जाकर के ये चैप्टर, तब जाकर के आपका ये खत्म होगा। फाइनली हम चैप्टर को फिनिश कर चुके रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।